नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिसिन जानकारी में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायलोफ 500 टैबलेट के बारे में। तो आप किन किन बीमारी में इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक बने रहे, तभी दोस्तों आपको इस टैबलेट की सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये 5 टैबलेट की स्ट्रिप है और इस टैबलेट को मार्केट करती है डिवाइन सेवियर लिमिटेड द्वारा। इस टैबलेट को मार्केट किया जाता है और इसमें लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg शॉर्ट में लाया गया है। तो जान लेते हैं आप किन किन बीमारी में इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक दवा है। इस टैबलेट का मुख्य रूप से उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, प्रोस्टेटाइटिस, न्यूमोनिया हो गया है, स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, साइनस की समस्या है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, किडनी में सूजन है, श्वसन तंत्र का संक्रमण हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। तो एडल्ट व्यक्ति को एक टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद लेना है, या फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद इस टैबलेट का उपयोग करें। दोस्तों, इस टैबलेट को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे कि मतली उल्टी होना, दस्त, सिर दर्द, त्वचा पे लाल दाने निकलना, कब्ज होना। इस टैबलेट को लेने के बाद ऐसे कुछ साइड इफेक्ट नज़र आए तो एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, इस टैबलेट में मिला कंटेंट से आपको पहले से कोई एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का उपयोग ना करें। अगर आप पहले से किसी प्रकार की मेडिसिन या एंटीबायोटिक दवा खा रहे हैं तो इस टैबलेट का उपयोग करने से पहले एक बार में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो जान लेते हैं किन किन लोगों को इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। तो अगर आपको शुगर है, हृदय रोग, लीवर रोग, आंतों में सूजन है, तो आप इस टैबलेट का उपयोग ना करें। प्रेगनेंसी महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस टैबलेट का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, आप अपनी मर्जी से इस टैबलेट का उपयोग ना करें, डॉक्टर की पर्ची होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अल्कोहल के साथ इस टैबलेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।